तो इंडिया टॉप 1M14 पुशिंग के एपिसोड 7 में आप सभी का वेलकम है। और आप लोग हमारे पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि इधर मेरा M14 का जो ग्लोरी था वो 7700 हो गया था और हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 29 नंबर पे चल रहे थे एंड वेस्ट बंगाल के अंदर 34% एंड इंडिया के अंदर 56% में चल रहे थे। तो इसको मैं आज आगे के लिए पुशिंग करने वाला हूं। और आज के मैचेस में मेरा बुइया तो हो जाता था लेकिन यहां पर मेरा M14 का ग्लोरी ही नहीं मिलता था। तो जैसा कि आप लोग इस मैच में ही देख लो, मैं यहां पर ब्लू जोन में उतरता हूं और मेरे साथ ही यहां पर दो दो बंदा उतर रहा था एंड मैं यहां पर एक ओपन जगह में लैंड करता हूं और मेरे साथ ही यहां पर एक बंदा उतरा था और यहां पर मेरे को एक भी गन नहीं मिलता है। नीचे एक गन दिखता है तो इसको मैं उठाने के लिए जा ही रहा होता हूं कि तभी मेरे सामने एक बंदा आ जाता है जो कि वो गन उठा लेता है। इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे के साइड आता हूं। पीछे के साइड आने के बाद ही यहां पर मेरे को मैक-10 मिल जाता है। जैसे ही मैक-10 मिलता है सामने वाला बंदा यहां पर मेरे ऊपर रश कर देता है जिसको मैं यहां पर मैक-10 से बॉडी हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूं एंड इसको मैं यहां पर लूटने लगता हूं कि तभी सामने से एक और बंदा आ जाता है। जो बंदा यहां पर मेरे को AC-80 से एक शॉट मारने के बाद ही यहां पर मैं मर जाता हूं एंड सोलो रिवाइवल पॉइंट अभी भी चालू था इसलिए मैं फिर से रिवाइव हो जाता हूं। रिवाइव होने के बाद ही यहां पर मैं 7 एनिवर्सरी के अंदर आ जाता हूं एंड 7 एनिवर्सरी से मैं जैसे ही बाहर निकलता हूं यहां पर मेरे पास 1600 टोकन था इसलिए मैं 2 लेवल का वॉर चेस्ट के अंदर से यहां पर मैं M14 ढूंढने लगता हूं। लेकिन इस मैच के अंदर मेरा इतना ज्यादा किस्मत खराब चल रहा था कि मेरे को यहां पर M14 नहीं मिलता है। फिर मैं यहां पर वो गाड़ी लेके जोन के अंदर आ जाता हूं। फिर 200, 400, 600, 800 ऐसा करके मैं 1600 टोकन वो इकट्ठा कर लेता हूं। फिर से यहां पर मैं 2 लेवल का वॉर चेस्ट के अंदर आके वो M14 ढूंढने लगता हूं लेकिन यहां पर मेरे को M14 ही नहीं मिलता है। भाई साहब 1600 टोकन यहां पर मैं फिर से वेस्ट कर दिया था इसलिए मैं गाड़ी पकड़ के वो जोन के अंदर आ जाता हूं। जोन के अंदर आने से यहां पर एक बंदा दिखता है जिसको मैं यहां पर उड़ा तो नहीं पाता हूं एंड फिर से जैसे ही आता हूं इसको मैं यहां पर उड़ा देता हूं। सामने एक और बंदा दिखता है जो बंदा यहां पर ओरियन हो जाता है एंड फिर से यहां पर मैं गाड़ी लेके आता हूं इसको उड़ा देता हूं। लेकिन सामने एक और बंदा था जो मेरा यहां पर किल चोरी कर लेता है एंड उसके बाद यहां पर मैं थोड़ा सा लूटता हूं एंड यहां पर मैं फिर से गाड़ी लेके जोन के अंदर आ जाता हूं। जैसे यहां पर आता हूं सामने ही बंदा दिखता है। सामने वाले बंदे को यहां पर मैं उड़ा देता हूं। गाड़ी से उतरने के बाद यहां पर M80 से 2 गोली मारने के बाद ही सामने वाला बंदा यहां पर खत्म हो जाता है। जैसे यहां पर मैं बैक करता हूं M14 का ग्लोरी ही नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग इस मैच में देखोगे तो मैं बुलसिया में उतर जाता हूं और मैं यहां पर थोड़ा बहुत लूट करके जैसे ही घर के अंदर आता हूं सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं यहां पर थोड़ा बहुत डैमेज देता हूं। लेकिन सामने वाला बंदा यहां पर ग्लोअर लगा लेता है एंड फिर से मैं भी यहां पर ग्लोअर लगा लेता हूं एंड सामने वाला बंदा यहां पर घर के अंदर चला आता है इसलिए मैं भी एक इनहेलर मार के घर के अंदर चला आता हूं। और उसके बाद यहां पर मैं M14 ढूंढने लगता हूं एंड सामने मेरे को M14 दिख जाता है तो इसको मैं उठाने के लिए जा ही रहा होता हूं कि सामने से यहां पर मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज दे देता है एंड सामने ही बंदा था गाड़ी के पीछे से यहां पर मेरे को मार रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे के साइड आता हूं। और मैं जैसे ही पीछे के साइड आता हूं सामने वाला बंदा यहां पर रश कर रहा था जिसको मैं यहां पर बीजों से काफी गंदा वाला डैमेज दे देता हूं एंड उसके बाद यहां पर मैं सामने वाले बंदे को M14 से मारने की कोशिश कर रहा था एंड यहां पर मैं आरिस करेक्टर का यूज करता हूं एंड फाइनली सामने वाला बंदा यहां पर मर जाता है। और उसके बाद मैं यहां पर एकदम से बीमा शक्ति की तरफ आता हूं एंड एक बंदे दिखता है जिसको मैं उड़ा नहीं पाता एंड दूसरे बार जैसे ही इसको दिखता है इसको मैं उड़ा देता हूं। गाड़ी से उतर के M14 से बॉडी देकर इसको मैं खत्म कर देता हूं। उसके बाद मैं जैसे ही पीक के साइड आता हूं सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं यहां पर उड़ा देता हूं एंड सोनिया हो जाता है। और सामने वाला बंदा यहां पर एकदम से डिमित्री चालू कर लेता है तो सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। जैसे ही मैं सामने वाले बंदे को यहां पर मैं क्लियर किया था तो यहां पर मेरे को मोशन लगा के उड़ा देता है एंड मैं यहां पर एलिमिनेट हो जाता हूं। जैसे ही बैक करता हूं M14 से 55 का ग्लोरी मिलता है। तो अगर आप लोग इस मैच में देखोगे तो मैं ब्लू जोन में उतर गया था और M14 एक ऐसा गन है ब्लू जोन के अलावा कहीं पर मिलता ही नहीं है एंड यहाँ पर एक बंदा दिखता है इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ लेकिन बंदा यहाँ पर कवर में चला जाता है। तो सबसे पहले इसको मारते हैं। सामने बंदा दिखता है इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ लेकिन सामने वाला बंदा यहाँ पर ग्लोअर लगा लेता है एंड फाइनली ये सोनिया हो जाता है। लेकिन दिमित्री भी चालू कर लेता है एंड इसको मैं क्लियर करने के लिए आ ही रहा था। सामने एक और बंदा दिखता है जो कि सामने वाला बंदा यहाँ पर मेरा किल चोरी करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर मेरे पास SMG एमओ भी नहीं था तो इसको M4 से मारना पड़ेगा एंड हेडशॉट भी लगा था एंड फाइनली इसको मैं खत्म कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत लूटने लगता है। फाइनली यहाँ पर मेरे को M14 मिल जाता है। मैं जैसे ही आगे के साइड जा रहा था कि सामने से मेरे को काफी गंदा वाला डैमेज दे देता है इसलिए मैं यहाँ पर ग्लोअर लगा लेता हूँ लेकिन सामने से यहाँ पर स्काईलाइट कैरेक्टर का यूज करके मेरे को यहाँ पर मार देता है। मैं जैसे ही यहाँ पर देखता हूँ सोलो रिवाइवल पॉइंट अभी भी चालू था इसलिए मैं फिर से रिवाइव हो जाता हूँ। रिवाइव होने के बाद ही यहाँ पर मैं ब्लू जोन के थोड़ा सा बाहर के साइड लैंड करता हूँ और उतरने के बाद ही यहाँ पर मेरे को M10 मिल जाता है। और उसके बाद मैं लास्ट जोन की तरफ आ रहा होता हूँ कि सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं यहाँ पर M14 से बॉडी देकर खत्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर होल्ड करने लगता हूँ कि तभी सामने एक और बंदा दिखता है जिसको मैं यहाँ पर जूम करके M14 से काफी आराम से हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ आखिरी का दो ही बंदा बचा होता है जो कि एक बंदा मेरे को काफी गंदा वाला डैमेज डील कर देता है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं आके मेडिकेट मारने लगता हूँ एंड फिर से यहाँ पर मैं मॉन्स्टर ट्रक में आके सामने वाले बंदे को उड़ा देता हूँ। फाइनली सामने वाला बंदा यहाँ पर खत्म हो जाता है। अभी के टाइम पे ना आखिरी का सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है तो देखते इस मैच को भुया कर भी पाती या नहीं। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ सामने ही बंदा दिखता है जिसको मैं यहाँ पर उड़ा नहीं पाता हूँ एंड सामने वाला बंदा यहाँ पर मेरा मॉन्स्टर ट्रक फोड़ने की कोशिश कर रहा था। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ मेरा मॉन्स्टर ट्रक यहाँ पर जल जाता है एंड मैं यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक से उतर के थोड़ा सा पीछे के साइड आता हूँ तो यहाँ पर मेरा फोन भी काफी ज्यादा लैग कर रहा था एंड सामने वाला बंदा एकदम से रश कर देता है इसको मैं M10 से थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। लेकिन सामने वाला बंदा के पास यहाँ पर ओल्ड पिक वाला कट्टा है तो थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को संभाल के खेलना पड़ेगा। ओके सामने के साइड ही बंदा यहाँ पर मेडिकेट मार रहा होता है इसका मैं कैरेक्टर स्किल ब्लॉक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं रश कर रहा था सामने वाला बंदा यहाँ पर मेरे को काफी
गंदा वाला डैमेज दे देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सुपर मेडिकेट मार रहा होता हूँ कि तभी सामने वाला बंदा एकदम से रश कर देता है, इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर बाहर के साइड आता हूँ, सामने वाला बंदा एकदम से मेरे को मार देता है। जैसे ही बैक करता हूँ, M14 का फुल ग्लोरी मिल जाता है। तो अगर आप लोग इस मैच में देखोगे ना, तो अभी तक मेरा एक भी किल नहीं हुआ था। जैसे ही मैं इधर के साइड आता हूँ, सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं यहाँ पर M14 से बॉडी बॉडी देकर खत्म कर देता हूँ। उतने में ही थर्ड पार्टी करके मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज दे देता है। अभी बचा है सिर्फ आखिरी का दो ही बंदा जो कि सामने के साइड फाइट कर रहा होता है। एक बंदा तो मेरा यहाँ पर किल चोरी कर लेता है। अभी सिर्फ आखिरी का एक ही बंदा बचा होता है जो कि सामने के साइड ही है। जैसे मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा होता हूँ कि सामने वाला बंदा यहाँ पर रश कर देता है। यहाँ पर मैं सामने वाला बंदा का ग्लोअल फोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने वाला बंदा यहाँ पर मेरा ग्लोअल में ग्लू मेल्टर फेंक देता है। मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर भी एक ग्लू मेल्टर फेंक देता है। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे के साइड आके ग्लोअल मार लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं होल्ड करने लगता हूँ। यहाँ पर से जोन भी आ रहा था, इसलिए मैं सामने के साइड आता हूँ, लेकिन बंदा एकदम से सामने आ जाता है। मेरे पास तो यहाँ पर 7 एनिवर्सरी का MP40 है, तो देखते इसको मारने की ट्राई करते हैं। जैसे ही सामने वाला बंदा यहाँ पर बाहर निकलता है, थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ। सामने बंदा होता है, सामने वाला बंदा का यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का शायद से ग्लिच चल रहा था। एंड सामने बंदा होता है, इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज फिर से देता हूँ। एंड सामने जैसे ही आता है, इसको मैं डाउन कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको रिवाइव होने की चांस देता हूँ एक और बार, तो M14 से किल भी करना पड़ेगा। एंड जैसे यहाँ पर रिवाइव होता है, M14 से बॉडी बॉडी देखे खत्म कर देता हूँ। तो देखते यहाँ पर इस मैच में मेरे को कितना ग्लोरी मिला है। मैं यहाँ पर जैसे ही बैक करता हूँ, M14 से 66 का ग्लोरी मिलता है। तो अगर आप लोग इस मैच में देखोगे तो CPR में तरफ ब्लू जोन बना था। एंड मैं यहाँ पर एकदम से ओपन एरिया में लैंड करता हूँ। लैंड करने के बाद यहाँ पर लेवल 3 का हेवेस्ट मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे को स्कार और UMP मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही M14 ढूंढने के लिए सामने वाले घर में आता हूँ, तो यहाँ पर तो मेरे को M14 नहीं मिलता है, लेकिन सामने एक बंदा मिल जाता है जिसको मैं यहाँ पर काफी गंदा वाला डैमेज डील कर देता हूँ। सामने वाला बंदा यहाँ पर ग्लोअल लगा लेता है। तो यहाँ पर मैं आयरिस कैरेक्टर का यूज करता हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा यहाँ पर मैं एकदम से कवर में चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं रश करके UMP का स्प्रे देकर सामने वाले बंदे को खत्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 7 एनिवर्सरी से जैसे ही बाहर के साइड आता हूँ, सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं यहाँ पर M40 से काफी गंदा वाला डैमेज दे देता हूँ। सामने वाला बंदा यहाँ पर ग्लोअल से पैक भी कर लेता है। और मैं जैसे ही पीछे के साइड आता हूँ, पैक यहाँ से खुला था, जिसका यहाँ पर मैं फायदा उठा के सामने वाले बंदे को यहाँ पर मैं मार देता हूँ। M40 से यहाँ पर मेरा पहला किल हो जाता है। मैं जैसे ही पीक के साइड से गुजर रहा होता हूँ कि नीचे के साइड से फाइट का साउंड आता है, जो कि सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं यहाँ पर M14 से बॉडी बॉडी देके खत्म कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, सामने के साइड से फाइट का साउंड आ रहा था, इसलिए मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, सामने एक बंदा दिखता है। तो यहाँ पर मैं M14 से एक हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा यहाँ पर मैं कवर में चला जाता है। तो यहाँ पर मैं होल्ड करने लगता हूँ। उसके बाद यहाँ से जोन भी आ रहा था, इसलिए मैं बाइक लेके सामने के साइड निकल जाता हूँ। और मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं यहाँ पर उड़ा नहीं पाता हूँ। फिर से यहाँ पर मैं बाइक लेके निकल जाता हूँ। यहाँ पर एक बंदा एलिमिनेट भी हो जाता है। अभी बचा है सिर्फ आखिरी एक ही बंदा है। यहाँ पर मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ, सामने बंदा दिखता है जिसको मैं यहाँ पर हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो देखते हैं इस मैच में मेरे को कितना ग्लोरी मिला है। जैसे यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, M14 का फुल ग्लोरी मिल जाता है। तो अगर आप लोग इस मैच में देखो तो मैं एनिवर्सरी की तरफ जा ही रहा था, सामने एक बंदा दिखता है, इसको मैं उड़ा देता हूँ। गाड़ी से उतर के इसको मैं M14 से हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। M14 से यहाँ पर मेरा पहला किल निकल जाता है हेडशॉट का। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं सीधा 7 एनिवर्सरी पर आ जाता हूँ। 7 एनिवर्सरी से 4 लेवल का वेस्ट हेलमेट लेके यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। एंड ब्रिज के ऊपर एक बंदा दिखता है जिसको मैं यहाँ पर गंदा वाला डैमेज डील कर देता हूँ। उसके बाद सामने वाला बंदा यहाँ पर ग्लोअल लगा लेता है। फिर से यहाँ पर मैं आयरिस कैरेक्टर का यूज करता हूँ। एंड आयरिस कैरेक्टर का यूज करके सामने वाला बंदा को यहाँ पर मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता है। एंड फाइनली इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। सामने एक और बंदा है जो कि गाड़ी के बैकअप में ही है। एंड मैं जैसे ही इसको मैं मारने लगता हूँ कि पीछे से यहाँ पर मेरे को एक बंदा आके काफी गंदा वाला डैमेज दे देता है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक हिनीलर मार के, यहाँ पर मेरा गाड़ी भी था, इसलिए मैं गाड़ी से यहाँ से निकल जाता हूँ कि तभी मेरे ऊपर यहाँ पर आके हुमर हिट हो जाता है। और उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, सामने एक बंदा दिखता है जिसका मैं गाड़ी फोड़ने की कोशिश कर रहा था। एंड पीछे के साइड भी यहाँ पर एक गाड़ी आके रुक जाता है, तो इसको मैं मारने लगता हूँ, लेकिन पीछे के साइड यहाँ पर मेरे को मोशन लगा के उड़ा देता है। एंड मैं यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता हूँ। तो बैक करके देखते हैं यहाँ पर मेरे को कितना ग्लोरी मिला है। एंड जैसे ही बैक करता हूँ, M14 का फुल ग्लोरी मिल जाता है। तो अगर आप लोग इस मैच में देखोगे तो सामने एक बंदा होता है जिसको मैं यहाँ पर हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। M14 से यहाँ पर मेरा 3 किल हो गया था, जो कि पहले ही मैं यहाँ पर 2 किल कर रखा था। एंड सामने एक बंदा होता है जिसको मैं काफी गंदा वाला डैमेज दे देता हूँ, ग्लोअल भी लगा लेता है। तो आयरिस कैरेक्टर के यूज करके सामने वाले बंदे को यहाँ पर मैं मार देता हूँ। जैसे ही ऊपर के साइड आता हूँ, यहाँ पर मेरे को ओल्ड पिक गोला कट्टा मिल जाता है। सामने एक बंदा जोन कवर कर रहा होता है, इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन ग्लोअल लगा लेता है। मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, आखिर का सिर्फ 2 ही बंदा बचा होता है। एक बंदे को मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन बंदा यहाँ पर पत्थर के कवर में चला जाता है। बंदा यहाँ पर आता है, इसको मैं यहाँ पर ग्लू मिल्टर फेंक देता हूँ। सामने वाला बंदा यहाँ पर घर में जा ही रहा होता है, इसको मैं काफी गंदा वाला डैमेज दे देता हूँ। बंदा यहाँ पर एकदम से घर के कवर में चला आता है। मैं जैसे इसको मारने लगता हूँ कि पीछे से यहाँ पर मेरे को एकदम से मार देता है। मैं यहाँ पर जैसे ही बैक करता हूँ, M14 का फुल ग्लोरी मिल जाता है। इसी तरह हम लोग पुशिंग करके यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर 27 नंबर पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मेरा M14 का जो ग्लोरी है वो 8800 हो चुका है। और स्टेट के अंदर यहाँ पर 31% दिखा रहा है और इंडिया के अंदर 54% दिखा रहा है। तो बाकी बहुत जल्दी ट्राई करूंगा इंडिया के बैच लेने के लिए। बाकी इस एपिसोड को ये बार एंड करते, तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर से नीचे कमेंट करके बता देना। तो अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर जो कोई भी पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा तो दिल से धन्यवाद। आप लोगों से मिलता है हमारा अगला एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।